हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। दोस्तों, ई एम आर एस वैकेंसी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था जेएसए के ऊपर, यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के ऊपर, जिसमें आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। तो उनमें से मैंने कुछ कमेंट्स पिक किए हैं जो कि मुझे लगा कि बार बार रिपीटेड कमेंट है, तो वो मैंने कमेंट ले लिए हैं। तो उन्हीं कमेंट के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ई एम आर एस की कोई भी अपडेट के लिए या कोई भी अन्य गवर्नमेंट जॉब आती है उसके अपडेट के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट दी जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा डाउट आ रहा था कि ये डाउट बार बार आ रहा था कि क्या ई एम आर एस की जो जॉब है ये एक गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट आ रहा था। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, जो आपकी ई एम आर एस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल की जो जॉब है, ये 100% गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों, यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे आपका जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो कंट्रोल करता है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसी तरीके से आपका NVS होता है, इसी तरीके से आपका KVS होता है, वो भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। बट ये जो आपका EMRS है, ये दो लोगों के अंतर्गत आता है, एक तो आपका, दूसरा आपका दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्योंकि ये जो स्कूल बनाए गए थे बेसिकली, दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे डाटा से हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए टोटल कुल 694 यहाँ पर स्कूल बनाने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें से वर्तमान में अभी 401 स्कूल बन चुके हैं। और इनमें ये क्या है, रिसेंटली जो नए स्कूल हैं ये बनाए गए हैं। बेसिकली इन स्कूलों का जो मोटिव था, इनका जो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी। एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र के लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको उनको बेहतर शिक्षा का स्तर मिल पाए, उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो पाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी। और उस सोसाइटी का काम था कि वो एक ऐसे विद्यालय बनाए जिनमें केवल और केवल आदिवासी जो लोग हैं, यानी कि ST कम्युनिटी, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, यानी ट्राइबल्स जो लोग हैं, वो पढ़ सकें। तो उनके लिए जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी थी, उसके द्वारा EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल हैं उनकी योजना बनाई गई, और उन स्कूलों को यहाँ पर बनाया गया। तो टोटल 694 स्कूल थे, जिसमें से अभी 401 बन चुके हैं। और इन्हीं स्कूल में काम करने के लिए JSA या जो अन्य गवर्नमेंट जॉब पद हैं, जैसे टीचर्स का, लैब अटेंडेंट का, अकाउंटेंट का, प्रिंसिपल का, वो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट की गई है। और ये पहली बार वैकेंसी क्रिएट की गई है, तो आपके पास काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नए नए स्कूल खुले, नए नए आप यहाँ पर जाने वाले हो। साथ ही साथ बता दूँ, इसके जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर हैं, वो हैं श्री अर्जुन मुंडा, जो कि आपके ट्राइबल मिनिस्ट्री यानी जनजातीय मंत्री हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ये आप फोटो देख सकते हैं कि राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, तो कि 2019 में स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर जो अवार्ड्स वगैरह हैं वो दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये बिल्कुल 100% गवर्नमेंट जॉब है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, आपका दूसरा डाउट आ रहा था सभी का कि क्या हम दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कॉमर्स डिग्री है प्लस 12th तो होगा, या आपके पास तीसरा 10th भी होगा, तो क्या हम दो या तीन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका अकाउंटेंट भी हम भर दें, हम JSA भी भर दें, हम लैब अटेंडेंट भी भर दें? तो जी दोस्तों, बिल्कुल आप तीनों पोस्ट के लिए, दो पोस्ट के लिए, कोई भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए करना सिंपल ये हुआ कि आपको तीन अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, तीन बार अलग अलग आपको फीस पे यहाँ पर करनी होगी। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तीसरा आपका पॉइंट आ रहा था कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर कोई अपडेट नहीं कि एग्ज़ाम इसका कब होने वाला है। तो फॉर्म की लास्ट डेट आपको मालूम है 31 जुलाई यहाँ पर दे रखी है, और कोई भी जो फॉर्म निकलता है उसकी जो लास्ट डेट होती है उससे मिनिमम 45 दिन जो होता है वो कोई भी एजेंसी देती है, केवल आपका जो बैंक होते हैं उनको छोड़कर कोई भी जो गवर्नमेंट संस्था होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट जॉब्स के, वो मिनिमम 45 दिन तो देती है, और उसके बाद फिर कितना भी जाए। तो अगर आप देखें 31 जुलाई के बाद 45 दिन, तो मिनिमम आपके पास जो मिड सितंबर है या उसके बाद ही कहीं जाके आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 15 सितंबर या उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो है स्टडी अभी से चालू कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊँगा, और बताऊँगा ये बैंक पैटर्न पे है या SSC पैटर्न पे है। ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊँगा, और क्यों है ये भी बताऊँगा। साथ ही साथ स्ट्रैटेजी बताऊँगा, किस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ कहाँ से पढ़ेंगे, बेस्ट कंटेंट
बेस्ट बुक्स, बेस्ट टीचर, फ्री स्टडी मटेरियल, मेरे द्वारा कौन कौन सी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी ये बताऊंगा। साथ ही साथ इसके अलावा आपके लिए मैं अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा कि वर्तमान में जो 2023 में जो सैलरी मिल रहा है जीएसए को वो कितना मिल रहा है वो दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा जी जो स्कूल हैं इनमें आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कहां पर आपको नौकरी करना होगी, यानी कि पोस्टिंग आपको कहां मिलेगी, ये भी आप आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। साथ ही साथ एक जीएसए का डेली वर्क रूटीन क्या होता है, उसको क्या क्या काम करने होते हैं, उस पर क्या क्या जिम्मेदारी होती है, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें ग्रोथ्स की क्या फीचर्स हैं, फ्यूचर है, मतलब ग्रोथ फ्यूचर क्या है इसमें, यानी कि हम कहां तक इसमें आगे बढ़ सकते हैं, प्रमोशन के क्या क्या चांसेस हैं, वो भी आपको इस वीडियो में आगे आने वाले वीडियोज में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मैंने यहाँ पर अपडेट्स दी हैं जो मुझे लगा कि बाकी इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसके अलावा कोई भी कैसा भी आपका डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, पूरे अगले वीडियो में आपके सवाल उठाऊंगा और प्रत्येक बंदे का सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके द एग्जाम हेल्पर डाल देंगे तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसका सिलेबस वगैरह पीडीएफ या कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले वहीं अपडेट करूंगा, या कोई भी फ्री मटेरियल स्टडी मटेरियल देना होगा वहीं दूंगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लिए, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।